हेलो एवरीवन, रोडीज करिमा कांड का हम सभी लोगों को अब 19th एपिसोड जल्दी ही आउट होते हुए देखने को मिलेगा। और इसके प्रोमो में हम सभी लोगों ने देखा था कि रोडीज करिमा कांड के वाइल्ड कार्ड भी हमें इस बार काफी जल्दी सीजन में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इन वाइल्ड कार्ड की एंट्री के बाद काफी ज्यादा कन्फ्यूजन और काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी आप सभी लोगों में होगी कि आखिर इन वाइल्ड कार्ड के तौर पर कौन से लोग हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर आप लोगों ने करीब 5 से 6 लोगों को देखा होगा। इन 5 से 6 लोगों में से करीब 3 लोग ही हमें फाइनली सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 3 गैंग रहने वाली है। तो ऐसे में हर एक गैंग में आप लोगों को एक एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में इन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो वैसे तो इनको स्पॉट कर पाना प्रोमो से काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इनमें से कुछ जो वाइल्ड कार्ड के तौर पर रिटर्न करने वाले हैं जिनको हम और हमारी टीम आइडेंटिफाई कर पाई। उसके बाद अगर वाइल्ड कार्ड की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर वाइल्ड कार्ड के तौर पर रिटर्न करेंगे आकृति नेगी। इनको आप लोगों ने देखा होगा जो रोडीज का ऑडिशन हुआ था उसमें भी। इसके साथ ही इनकी फोटो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। दूसरे नंबर पर नाम आता है नवीन कुमार का। इनको भी आप लोगों ने ऑडिशन आपको इनका अच्छे तरीके से याद होगा, इनकी फोटो भी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर नाम आता है ली का, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर वापस इनकी फोटो देख पा रहे होंगे। ली भी जो है वो रोडीज को ऑडिशन में आई थी, उसके बाद इनको बाहर कर दिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है कबीर मल्हा का। इनका ऑडिशन तो आप लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर इनको बाहर किया गया था। और इसके साथ ही एक और नाम हमारे सामने आया है जो कि है अनमोल धवन का। हालांकि इनके अलावा बाकी के जो एक दो कंटेस्टेंट है उनको हम कैच नहीं कर पाए, तो अगर आप में से कोई जानता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरीके से रोडीज स्प्लिट्स विल और सारी शोज की डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स रहते हैं शोज के रिगार्डिंग या फिर वोट आउट को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर आकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।